हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से हों, ठीक ठाक हों, और आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। अभी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, क्योंकि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है दोस्तों, और स्कूल भी बंद हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है। धूप तो दिख ही नहीं रही है, वो थोड़ी सी धूप आती है लेकिन वो थोड़े से वक्त के लिए आती है, फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है सूरज कुछ पता नहीं चलता, और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो खैर दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो जो टिक टिक करते हुए कुछ आपसे बात कहने वाली थी, और मैंने कहा था कि वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कहूँगी, तो मैं आज इस वीडियो में वो आपको बात आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या टिक टिक कर रही थी, मेरे दिमाग में वो क्या बात थी। खैर उससे पहले आप कुछ देख लीजिए, ये थोड़ा ऐसा ही कुछ रैंडम व्लॉग है ये, और जो हम ठंड में थोड़ा बाहर गए, कुछ ख़रीदा, कुछ आप कहते हैं ना, आप अपना कुछ शेयर नहीं करती हैं, तो वो कभी कभी मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ आप ये देखें, और उसके बाद अंत में मैं अपनी वो टिक टिक वाली बात जो कहने से रह गई थी पिछले वीडियो में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले आप ये वीडियो देखें थोड़ा। गुड मॉर्निंग माई ब्यूटिफुल व्यूवर्स, सुबह का दिन है और ये देखिए हल्की हल्की धूप हो गई है आज। ओहो, ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बहुत ज्यादा ठंड है दोस्तों। बता सकते हैं किस चीज का पेड़ है, और ये इस पे मैंने लाइट लगाई थी, बहुत खूबसूरत लगती है रात में। अंदर ही चलते हैं, The next day. बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मैं ऊपर अपना काम करती जा रही थी, और चाय, गर्म चाय भी पीती जा रही थी, क्योंकि अब गर्म नहीं रही है, इतनी जल्दी चाय ठंडी हो जा रही है। देखिए ऊपर बैठी अपना काम कर रही हूँ, सब कुछ यहाँ ऐसा बिखरा बिखरा सा रहता है, क्योंकि अभी ठंड में मैं बिल्कुल उसको सेट नहीं कर पाती हूँ रूम को, और जितना हो पाता है वही कर पाती हूँ। लेकिन ऊपर जब आओ तो मतलब नीचे हमारे घर पर इतना ठंड नहीं है जितना ऊपर ज़्यादा ठंड है, जो मेरा ये स्टूडियो रूम है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चाय ऑलमोस्ट मेरी ठंडी हो गई। आप लोग बताइए मुझे, आप में कितने लोग ऐसे हैं जिनको चाय जाड़ों में, मतलब जाड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, गर्मियों में तो अच्छी लगती है, विंटर और समर दोनों ही मौसम के लिहाज से मैं बोलूँ तो चाय के शौकीन लोग जो हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो चाय बहुत पसंद है और अच्छी लगती है मुझे चाय। और मतलब काम करते करते मुझे तो अगर थकान हो जाए ना या कुछ, तो आप चाय की एक चुटकी लीजिए और बस फिर से अपना काम शुरू कर दीजिए। अभी ठंडी थी तो मैंने सोचा चाय पी लें, और अपना काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रही हूँ, अभी थोड़ा एडिटिंग रह गया है। The next day. आज बाहर जाना है और मैं पूरी तरह से पैक होकर जाती हूँ, फैशन वैशन कुछ नहीं भाई दोस्तों, अपने आप को संभालो। हाँ हाँ, दरवाज़ा खुलते ही मैं ये क्या देखती हूँ बाहर, आज धूप है और काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। चलो जी चलते हैं बाहर, यहाँ थोड़ा बहुत सामान लेना था घर के लिए खाने पीने का, और यहाँ मुझे रास्ते में भूख लग गई तो मैंने ये रास्ते में खा लिया। लग रही है वो जो ये कुर्सी है ये वाली, वहाँ से हम रोड साइड जो सामान मिल रहा था वहाँ से हम दो कुर्सियाँ और एक अलमारी वहीं पर ख़रीद कर रख गए, और यहाँ हमें सामान लेना था घर के लिए तो हम यहाँ आ गए। जाते टाइम हम वहाँ से अपना सामान उठाएंगे और घर चले जाएंगे। सारा हिंदी मेन्यू था, देखकर बहुत खुशी हुई, हिंदी में व्यंजन सूची। यहाँ हम अक्सर कुल्हड़ चाय पीने आते हैं, बहुत ही गजब की लाजवाब चाय होती है, और ऐसी ठंड में तो बस पूछिए मत चाय का। दोस्तों हमने जो सामान लेकर रखा था रोड साइड से वो अब हम घर लेकर जा रहे हैं, और ये रिक्शा में अंकल हमारे रिक्शा में सामान रख रहे हैं, और हमने रिक्शा में बस जैसे तैसे करके सामान को रख लिया। One hour later. तो जो हम सामान लाए हैं वो दिखने में कुछ ऐसा है, और आप बताइएगा कि आपके घर पर भी कुछ ऐसा है। A few minutes later. चलो मैं ये लाइट्स आपको दिखा दूँ जो मैं आपको सुबह दिखा रही थी ना, अभी रात का वक्त है और ये रात में कुछ ऐसी लगती हैं। एक्चुअली ये बहुत प्यारी लगती हैं, ये बल्ब का शेप है लेकिन वो साइड में थोड़ा लंबा है, और इस वक्त मैं आंगन में आपको ये दिखाने आई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा,
बहुत ख्याल रखें अपना। इस बार तो ठंड में जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए, पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बट हर साल तोड़ ही देती है, 60-70 साल का रिकॉर्ड फिर से इस बार तोड़ दिए। तो ये लाइट कुछ ऐसी लगती है। और ये पेड़ बताना मुझे किस चीज़ का पेड़ है। तो दोस्तों देख लिया आपने ये व्लॉग जो मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करने की। हालांकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है पूरे दिन में, बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बड़े कामों में कब वक्त निकल जाता है, क्योंकि बहुत छोटे दिन होते हैं जाड़ों में तो वो वक्त निकल जाता है पता नहीं चलता, तो शूट नहीं कर पाती हूँ। बस यही होता है कि मैं अमूमन शूट करना भूल जाती हूँ, लेकिन जो शूट कर पाती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जो लास्ट वीडियो में मेरे दिमाग में टिक टिक कर रहा था और मैंने अपनी बात छोड़ी थी, वो एक्चुअली बात ये थी कि मैं आजकल देख रही हूँ कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ नहीं काफ़ी समय से ऐसे काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं जिसमें वो गाली गलौज अगर कर रहे होते हैं, बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो उसके मिलियन व्यूज़ होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा ऐसे YouTube कभी कभी रिकमेंड करता है ना कुछ वीडियोस, तो उसमें मैंने देखा कि एक रात में एक दिन में 25 मिलियन व्यूज़ थे, और वही उसमें गाली गलौज हो रही होती है। खैर गाली नहीं दे सकती मैं, और मैं बस देख रही थी, मैंने मेरे दिमाग में ये आया कि क्या वाकई में अगर गाली गलौज कर रहे हैं या यू नो चूचा ची इस तरह से वो बातें हो रही होती हैं, और बहुत ही अभद्र भाषा और बहुत ही हमने देखा है बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में बात हो रही होती है, लेकिन उसमें मिलियन व्यूज़ होते हैं और लोग ऐसे यू नो ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं कि बस ये क्या देख लिया। बहुत फेमस यूट्यूबर्स ऐसे हैं, आप एक आप नाम भी जानते होंगे और आप मुझे कमेंट में कुछ लोग लिख भी देंगे वो नाम, तो मैंने देखा है वो ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे होते हैं कानों में से धुआं निकल जाए, लेकिन उस पर मिलियन व्यूज़ होते हैं। और हम कितना अच्छा बात कर लें, कितना समझाने की बात कर लें, कितना उल्टा हमको गाली देने आ जाएंगे, हमको उल्टा सीधा कहने आ जाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि कोई व्यूज़ नहीं होता, YouTube भी उन वीडियोस को आगे नहीं बढ़ाता, तो बड़ा अफसोस होता है। अभी तो मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोगों के चैनल पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और मेरे चैनल पर भी कितना भी मेहनत से बना लो लेकिन अंत में हम देखते हैं कि उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, अफसोस होता है, लेकिन कोई नहीं, गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये जो मेरी बात टिक टिक हो रही थी कि गाली गलौज वाले चैनल जो हैं वो ज़्यादा व्यूज़ उनको मिलते हैं, ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ तक ठीक है, और क्या मुझे भी कोई गाली गलौज का कोई चैनल बनाना चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, लेकिन मैं ऐसे ही बस एक यू नो एक ओपिनियन के तौर पर आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो जब वो वीडियो खोलो तो उसमें जो जो वो बातें बोल रहे होते हैं ना, और जो जो वो गालियाँ हो रही होती हैं उसमें, गाली हर बात पे गाली गलौज, और बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, तो वो देखकर मुझे बड़ा वो लगता है कि अच्छा भाई कोई ये सब करके भी इतने व्यूज़ पा गया। तो बस ये बात मेरे दिमाग में टिक टिक हो रही थी, और मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करते हुए रह गई थी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। और बाकी ये जो रैंडम जो भी ब्लॉग मैं शूट कर पाई आपके साथ शेयर किया है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, वीडियो को और दोस्तों तक पहुंचाइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं लगा हो तो मत कीजिएगा लाइक, कोशिश करती रहती हूँ आपके साथ शेयर करने की, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हो पा रही हूँ, और पीछे कुछ वक्त से वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी। आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं पर्सनल आप व्लॉग बनाइए, पर्सनल लाइफ से शेयर कीजिए, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, इतना नहीं हो पाता, और जैसे कि विंटर्स में अभी दिन भी बहुत छोटे हैं और जो उधर गर्मियाँ आ जाती हैं तो बेतहाशा गर्मी लगती है, तो कुछ ना कुछ लाइफ में इस तरह का चलता रहता है, ये कह सकते हैं कि ये एक्सक्यूज़ होते हैं आप नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, और अपना और अपने प्यारे मुल्क का अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, फिर मिलूंगी इतने वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।